कोरोना संकट के बीच चरमराती दिख रही अर्थव्यवस्था के मसले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने एक्सपर्ट से बात की और एक्सपर्ट से चर्चा करने की इसी कड़ी में राहुल गांधी ने बजाज ऑटो के मैनेजर डायरेक्टर राजीव बजाज से बात की। इस दौरान बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने राहुल से कहा कि लॉकडाउन में भारत फंसा हुआ है और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कोरोना काल चल रहा है और इस बीच राहुल गांधी लगातार एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं। दौर जारी है, इसी कड़ी में उन्होंने राजीव बजाज से भी बात की। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फिलहाल फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, देखिए पिछले काफी समय से ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो रिश्ते हैं उन्हें मजबूती मिली है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा। क्या अपडेट आपके पास है? आज उन्होंने स्कॉट मॉरिसन से भी चर्चा की। जी बिल्कुल, द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है, वर्चुअल है, पहली बार इस तरीके से वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया जा रहा है क्योंकि कोरोना है। उसको देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से WHO में भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है और उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर भारत का जो नेतृत्व है वो बेहतरीन रहेगा। वैश्विक महामारी के काल में जिस तरीके से हमारी साझेदारी रहेगी, जो रणनीति रहेगी वो बेहद अहम रहेगी। आर्थिक और सामाजिक जो दुष्प्रभाव जल्द आने वाले समय में दिखाई देंगे उसको कहीं ना कहीं कम करने में कारगर होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से G20 इंडो पैसिफिक तमाम जो मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने अपनी राय रखी पिछले दिनों और आने वाले समय में जिस तरीके से भी साझा एक रणनीति रहेगी उससे प्रीत किरण, कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा। जी मनीषा, प्रीत देखिए राहुल गांधी का दौर लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चा का जो दौर है वो जारी है, वो भी लगातार राय ले रहे हैं और विपक्ष, देखिए विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरना, वो राहुल गांधी यहाँ पर कर भी रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि आज उन्होंने बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से चर्चा की, अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या विश्लेषण किया? उनकी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कोरोना को लेके इस सीरीज में काफी लोगों से चर्चा की गई है। इससे पहले भी काफी अर्थशास्त्रियों से चर्चा कर चुके हैं वो। आज उन्होंने जो बजाज ऑटो मैनेजिंग के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से भारत में लॉकडाउन लगाया गया किसी अन्य देश में इस तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाया गया, और खास ये रहा कि जिस तरीके से पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान ट्रीट किया, भारत में पूरी तरीके से बंदी रही, लोग जो ताजी हवा में सांस लेने के लिए भी घर से बाहर निकले तो उनपे कहीं ना कहीं पुलिस ने सख्ती पर दी, ये किसी दूसरे देश में नहीं रहा, और पूरी तरीके से बंदी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है और आने वाले समय में भी आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नुकसानदेह। राहुल गांधी आर्थिक जो है राय ले रहे हैं, भारत किस तरीके से निपट रहा है और बाकी देश किस तरीके से निपट रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स है उनकी क्या राय है कोरोना काल में, लगातार अलग अलग एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं। मनीषा बिल्कुल, प्रीत किरण तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉट मॉरिसन से चर्चा की, राहुल गांधी जो हैं वो लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं।